हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFC क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का NTT क्लास में स्वागत करती हूँ। देखो, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा उसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। आप सभी अपना फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लो, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, बाल मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा दीजिए, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका आंसर देखेंगे। बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक जीवन है, यानी कि हम हमारे आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा मनोविज्ञान। अब इस मनोविज्ञान के बारे में अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं हमें इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें हमारा पहला वैज्ञानिक है वुडवर्थ। वुडवर्थ कहता है, अपने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दी जाती है, कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, उसमें आप कैसी क्रियाएं करते हैं, उसी को ही आपका क्या समझा जाता है, मनोविज्ञान। इसी तरह से एक दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है जेम्स ड्रेवर। ये अपनी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक व्यवहार की व्याख्या करने वाली विज्ञान के रूप में की गई है, कि जैसा हमारा शारीरिक माहौल रहा है या जैसा हमारा मानसिक व्यवहार रहता है, उसी को ही किसका नाम दिया गया है, मनोविज्ञान का। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, टू एवरी एक्शन देयर विल बी अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही कोई वैज्ञानिक किसी भी बारे में या किसी भी बात के बारे में कोई प्रक्रिया देता है, तो उसका भी इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमेशा देखने को मिलेगा। तो इन वैज्ञानिकों ने, जो मनोवैज्ञानिक हुए, इन्होंने अपनी राय रखी, अपनी परिभाषाएं दी, तो उसके अपोजिट में कई तरह के प्रश्न चिन्ह हुए। अब वो प्रश्न क्या उठते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आता है, क्या बालक मनोविज्ञान का अध्ययन में इस क्षमता का विकास करता है कि वह विकास एवं परिवर्तन की सामान्य दिशा को तथा इसे पहचान सके। ये कहते हैं कि चलो, हमने मनोविज्ञान के बारे में सब पढ़ लिया, तो क्या सिर्फ मनोविज्ञान का अध्ययन करना हमें क्लैरिफाई कर पाएगा कि हमें किस रास्ते में जाके विकास मिलेगा, या अगर हमारे आसपास के माहौल में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या उस चीज में अंतर स्पष्ट हो पाएगा। ये था पहला क्वेश्चन जो रेज हुआ था इन वैज्ञानिकों के अगेंस्ट। सेकेंड क्वेश्चन जो रेज हुआ था, उसमें हमसे पूछा गया था, क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बालक को सफल मार्गदर्शन प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन हुआ था, क्या यह विज्ञान बालकों को वांछित व्यवहार परिवर्तन की दिशाओं को स्पष्ट करता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न चिन्ह हमारे इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा के खिलाफ पूछे गए। तो स्टूडेंट, इन प्रश्न चिन्हों को क्लैरिफाई करने के लिए वैज्ञानिकों के अलग अलग अध्ययन किए गए, जिनमें हम पहला अध्ययन पढ़ेंगे क्रो एवं क्रो। इस अध्ययन में हमें बताया गया है कि बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो क्या कहलाता है, क्रो एवं क्रो अध्ययन। दूसरा अध्ययन आया थॉमसन, जिसमें बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा का संकेत करता है, यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके और उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, तो हर बच्चा सफल और सुप्रसिद्ध बन सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आता है, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में क्या अंतर है। अभी तक हम इस चैप्टर में दो नाम बार बार सुन रहे हैं, एक तो है बाल मनोविज्ञान और दूसरा है बाल विकास, ठीक है। तो अब इसके अंतर समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, ये कहता है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास उस समय कहना प्रारंभ किया
जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक का हो गया, कि जब तक बच्चा क्या है किशोर अवस्था में है तब तक हम उसका काउंट करते हैं बाल मनोविज्ञान, जैसे ही वो किशोर अवस्था से युवा अवस्था की तरफ बढ़ता है तब उसका बाल विकास होना शुरू हो जाता है। तो अगर दोनों में आपको अंतर समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि किसी भी बालक की किशोर अवस्था तक का समय काउंट होता है उसके बाल मनोविज्ञान के रूप में, और जैसे ही बालक टीनेजर बनता है यानी कि उसके ऊपर जब जिम्मेदारियां आना शुरू हो जाती है, वो एक कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है, तो उसे बोलेंगे बाल विकास। तो ये बहुत आसान तरीका है दोनों चीज़ों के बीच में अंतर समझने का। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो फिर से लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकता है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। स्टूडेंट अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए कि हमारी जो साइकोलॉजी है उसको लेके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसका। बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही? बाल मनोविज्ञान का वर्तमान रूप अनेक वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का फल है। ऐसा नहीं है कि बाल मनोविज्ञान अभी के वैज्ञानिकों ने ही कुछ हमारी उत्पत्ति करी या कुछ आविष्कार किया। हमारा जो पुराना टाइम था, ऐतिहासिक जो पीरियड था, उसमें अनेक तरह के शोधकर्ता हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जो रिसर्च की उसी का रिजल्ट आज हमें साइकोलॉजी के रूप में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इसमें विकास में अनेक शोधकर्ताओं का सहयोग रहा, बहुत सारे शोधकर्ता थे जिनको आपस में सपोर्ट मिला, जिसको लेके आज हम साइकोलॉजी को डीप लेवल पे पढ़ पा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब से हुई। सन 1903 तक बाल मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीमित थी। 1903 सदी की बात अगर हम करें तो हम बहुत ही सीमित सामग्री के साथ थे, हमारे पास उतने साधन नहीं थे जिसके द्वारा हम मनोविज्ञान को एक डीप लेवल पे समझ पाएं। इस अवधि की अधिकांश समस्याएं यह थी कि भिन्न भिन्न आयु सत्रों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और बालकों के विभिन्न व्यवहारों में कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं, कि हमें पता ही नहीं चलता था कि टाइम के साथ हमारी एज चेंज हो गई, हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया या अवस्था भी चेंज हो जाती है। तो पर्टिकुलर ये समझने में भी काफ़ी टाइम लग गया कि ऐसे क्या हम सामग्री यूज़ करें जिससे हर व्यक्ति की, हर आयु की जो अवस्था है उसको समझा जा सके। परंतु पिछले लगभग 40 वर्षों में बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों में एक नया ट्रेंड चला है। अभी हाल ही के 40 वर्ष जो गए हैं उनमें हमने इन मनोविज्ञान के बारे में काफ़ी डीप अध्ययन करना शुरू कर दिया, एक ट्रेंड की तरह चल रहा है ये चीज़ें। तो आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपने खाली यही ध्यान रखना है कि कौन से शोधकर्ता हुए, उनका टाइम पीरियड क्या था और उनका क्या हमारे साइकोलॉजी के इतिहास में योगदान रहा। इसको आप सेल्फ स्टडी के बेस पे पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा होगा, आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स में से ले सकते हैं। EFCA क्लासेस की तरफ से आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बाल मनोविज्ञान कि अध्ययन विधियाँ कौन सी हैं, कि ऐसी कौन सी टाइप्स हैं, कौन से मेथड हैं जिनको पढ़ने के बाद या जिनके थ्रू हम बाल मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विधियों के वर्णन का विकास है कि अलग अलग तरह के मेथड निकल के सामने आए जिनको हम नीचे पढ़ेंगे। पहला मेथड है मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि द्वारा मन तथा शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि आपका मन और आपका शरीर
कैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारा माइंड कैसा चलता है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोभौतिकी विधि। सेकंड है चिकित्सात्मक विधि। चिकित्सात्मक विधि साधारणतः अभीष्ट अधिगम, व्यक्तित्व और आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययनों के लिए काम में लाई जाती है कि हमारा आचरण कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। आपने कई लोग देखे होंगे जो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, जिनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, चिकित्सात्मक विधि द्वारा उनका उपचार करते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, चिकित्सात्मक विधि। तीसरी विधि आती है नियंत्रित निरीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि बालक की निजी व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायक होती है कि आप अपना पर्सनल लेवल पे चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है, लोगों से व्यवहार कैसा करते हो। अब एक ही समय में सेम एज के दो बालक हैं और एक ही चीज़ को देखने का नज़रिया दोनों का अलग अलग होता है, तो इस तरह के व्यवहार को क्या बोलते हैं, नियंत्रित निरीक्षण विधि। तीसरा आता है, अब इसी के आगे पार्ट पढ़ोगे नियंत्रित निरीक्षण विधि के, पहला पार्ट हम पढ़ेंगे सामुदायिक सर्वेक्षण। सामुदायिक का मतलब एक समूह को इकट्ठा करके कलेक्शन के ऊपर जब सर्वे किया जाता है उसको बोलते हैं सामुदायिक सर्वेक्षण। जैसे कि इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है, एक ही समुदाय में रहने वाले पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर स्टडी की गई। इसमें किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है और यह अन्य समुदाय के बालकों से भिन्न कैसे है, इसकी स्टडी की गई थी। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे चेकलिस्ट। यह बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास और व्यवहारों की एक सूची होती है। अब हम किसी भी अलग समुदाय में गए, वहाँ पे एक तरह के बालक रहते थे, उनका अध्ययन किया गया, फिर हमने चेकलिस्ट तैयार की कि जैसे ही हम अध्ययन करने बैठे तो सेम एज के बालकों में भी व्यवहार में अंतर पाया गया, उसके अकॉर्डिंग हमने चेकलिस्ट तैयार की। फिर हमने परिस्थिति विश्लेषण किया। परिस्थिति विश्लेषण का मतलब होता है कि आप कैसी स्थिति में, कैसे माहौल में पले बड़े हो, आपके सहपाठी कैसे हैं, माता पिता का व्यवहार आपके साथ कैसा है, आपके अभिभावक कैसे हैं, उनका भी हमारे व्यवहार पर, हमारे जीवन पर काफ़ी असर पड़ता है, तो उसको कहते हैं परिस्थिति विश्लेषण। उसके बाद आता है समय निर्देशन, कि समय का उपयोग आप किन चीज़ों पे ज़्यादा करते हो, किस तरह की क्रियाएं करने में आप समय लगाते हो, उसका भी हमारे व्यवहार पर, हमारे मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ता है, तो इस तरह के अध्ययन को बोलते हैं समय निर्देशन। फोर्थ विधि आती है प्रश्नावली विधि। ये सबसे आसान विधि है, जिसमें क्या होता है कि बालक किस तरह के प्रश्न पूछता है, या आप अगर उससे क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो उसका जवाब देने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे से उसका स्कूल होमवर्क पूछते हो, उससे कोई कार्य कराते हो, तो वो बोरियत फील करता है, या फिर उसके जवाब देने का तरीका कुछ अलग होगा। वहीं आप उससे गेमिंग की बात करोगे, ठीक है, कुछ मनोरंजन की बात करते हो, तो उसके प्रश्नों के जवाब देने का तरीका कुछ अलग होगा। तो इस तरह की विधि को क्या बोलते हैं, प्रश्नावली विधि। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट, जिसमें आता है जीवन वृतांत विधि। इस विधि द्वारा बालकों के जीवन क्रम का लेखा जोखा सतर्कता पूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक और रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है। ये एक तरह की विधि है जिसमें बच्चे के जन्म से लेके और जिस एज में आप उसके ऊपर सर्वे कर रहे हो वहाँ तक का सारा ब्यौरा लिया जाता है उसके माता पिता से, अभिभावक से, रिश्तेदारों से, कि बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है,
बातचीत करने का तरीका कैसा है, व्यवहार कैसा है, तो इस विधि को बोला जाता है जीवन वृत्तांत विधि। अगली विधि आती है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता की पहचान की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप AFC क्लासेस में इस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो।